स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट टू में मैंने फैक्टर थ्योरम आपको समझाया था, उस पर कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने कराए थे और मैंने उसमें आपको कमिट किया था कि हम आपको अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस एलोबरेट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो वही मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूँ इस पार्ट में। आप देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग फैक्टर मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इन फॉलोइंग इक्वेशंस के हमें फैक्टर मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मैं वन बाय वन इनके सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बुक से क्वेश्चन लेकर के उसकी फैक्टराइजेशन मेथड से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो सोल्यूशन फर्स्ट, पहले पार्ट को सोल्यूशन लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट थ्री इक्वल जीरो। हमने आपसे बताया था कि सबसे पहला काम हमें करना होगा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी रूट थ्री और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट निकालना होगा। कांस्टेंट टर्म है हमारे 7 रूट थ्री, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 7 21। ये क्या आया रिजल्ट? 21। दो स्पेस बनाएंगे, इनटू का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम? मिडिल टर्म लेंगे। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है 10x, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 10 लेंगे, दो स्पेस बनाएंगे और इनके बीच में जो कॉन्स्टेंट का साइन है, कॉन्स्टेंट का साइन क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पर लगाएंगे। अब ये मैंने आपको बताया था, ये क्या कह रहा है कि दो ऐसे नंबर सर्च कीजिए जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास आते हैं 7 और 3। 7 प्लस 3 10 होता है और 7 3 21 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट की जगह आप 7 प्लस 3 कर देंगे, यानी ये 3 जो टर्म्स है उससे 4 टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे हमने 7 प्लस 3 x प्लस 7 रूट 3 इक्वल। अब आप देखिए ध्यान से, ओपन करेंगे रूट 3x² है प्लस 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 7x प्लस 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 3x प्लस 7 रूट 3 इक्वल जीरो। अब आप देख सकते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, रूट 3 और 7 में कोई वो नहीं है, इसका एलसीएम 1 होगा, ठीक है। अब कॉमन आउट क्या आ रहा है? सिर्फ x आ रहा है, बचेगा क्या? रूट 3x प्लस 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आइए देखें ध्यान से। 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, यानी ये रूट 3 इंटू रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3x प्लस 7 रूट 3। तो कॉमन क्या निकलेगा? रूट 3 आएगा, एक रूट 3 कॉमन आ गया, एक रूट 3 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? एक रूट 3 बचा, x प्लस यहां से रूट 3 कॉमन आ गया, बचा क्या? 7 इक्वल जीरो। अब आप देखिए ये दो टर्म में आ गए, ये दो टर्म हो गए और दोनों टर्म में ये कॉमन दिख रहा है, एक जैसा है, तो इसे कॉमन निकाल लेंगे, रूट 3x प्लस 7 कॉमन आ गया, बचा क्या? x प्लस रूट 3 इक्वल जीरो। अब ये सिंगल टर्म हो गया। अब अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो ये उसी केस में पॉसिबल है जबकि या तो ये फैक्टर जीरो हो या फिर ये फैक्टर जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो जाए। तो आइदर आइदर रूट 3x प्लस 7 इक्वल जीरो और दूसरा x प्लस रूट 3 इक्वल जीरो। अब यहां से सॉल्व कीजिए, रूट 3x इक्वल 7 उधर गया, -7 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 बाई रूट 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस रूट 3 उधर गया, -रूट 3। तो हमारे दो आंसर क्या क्या है, दो रूट्स क्या है? -रूट 3
एंड माइनस सेवन बाई रूट थ्री, ये दो हमारे इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9x² - 6ax + a² - b² = 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, a² - b² है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 9a² - b² अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, a² - b² को इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, a + b (a - b). और जब इसको 9 को भी ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 3 × 3 करके दे दें तो 3a + b (3a - b), तो ये क्या आएगा, 9a² - b² ही रहेगा। अब आ जाइए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, x का मल्टीपल है -6a, लेकिन यहाँ पे हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ साइन लेंगे 6a। हम क्या लेंगे, सिर्फ 6a। अब 6a को ऐसे दो नंबर में लिखना है जिनका सम, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, जिनका सम तो 6a हो जाए और प्रोडक्ट ये हो जाए। तो आप जब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आप लोग को समझाते समय मैंने लिख दिया था, अगर हम 3a + 3b यानी 3a + b और 3a - b इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3a + 3b + 3a - 3b और -3b + 3b से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3a + 3a यानी 6a। तो हमारे दो फैक्टर आए 3a + b और 3a - b, ये दो हमारे फैक्टर आए। आइए अब इस 6a की जगह हमको इसी चीज को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 9x² - 6a की जगह हम लिखेंगे 3a + b + 3a - b x, x को ब्रैकेट के बाहर, +a² - b² (a² - b² = 0) क्लियर। अब इसे ओपन कर लीजिए, 9x² - 3a + b और ये x आकर के मल्टीप्लाई हो गया x, फिर -3a - b एक्स आके मल्टीप्लाई हो गया प्लस a² - b² को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम a + b (a - b) लिख सकते हैं, तो a + b (a - b) = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते होंगे ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिए, 3 × 3 = 9, 1x कॉमन लिए, x बचा, माइनस ये 3 कॉमन आ चुका है, a + b बचा और ये x भी कॉमन आ चुका है, यानी ये हमारा। अब आ जाइए इसमें थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, दोनों एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और इसमें कॉमन सिर्फ a - b दिख रहा है, तो a - b हम लोग कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा, a - b कॉमन आ चुका है, x बचेगा, क्योंकि थर्ड टर्म का साइन निगेटिव था हमने बाहर माइनस साइन ले लिया, तो फोर्थ टर्म का साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, a - b कॉमन आ चुका है तो बचा क्या, a + b। अब देखिए ये दो टर्म में बदल गया, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों टर्म में ये कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रहा है आपका, 3x - a + b कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, बचा क्या है, इधर से 3x बच रहा है और इधर -a - b बच रहा है, = 0। अब ये एक टर्म हो गया,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो आइदर दिस फर्स्ट वन इज जीरो और दिस सेकंड वन इज जीरो और बोथ इज जीरो, तो उस केस में ही ये जीरो हो पाएगा। तो आइदर 3x माइनस ए प्लस बी इज जीरो और 3x माइनस ए माइनस बी इक्वल जीरो। आप देखिए माइनस ये ब्रैकेट के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल ए प्लस बी। इसी तरह से इसमें देखिए 3x इक्वल ए माइनस बी। अब ये 3 मल्टीप्लाई में सेकेंड साइड डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल ए प्लस बी बाई थ्री और यहाँ से क्या आया x इक्वल ए माइनस बी बाई थ्री। तो ये x के दो रूट्स आए, यानी इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आए, x की दो वैल्यूज आए जो कि इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, यानी टू रूट्स आर ए प्लस बी बाई थ्री एंड ए माइनस बी बाई थ्री। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 12ab x² माइनस 9a² प्लस 8b² एक्स प्लस 6ab इक्वल जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल लेंगे, 12ab है, फिर कांस्टेंट लेंगे 6ab है, रिजल्ट लिखेंगे क्या हो गया 12 6 72 a² b² अब दो स्पेस छोड़ेंगे उनके बीच में इनटू का साइन लगाएंगे, फिर मिडिल टर्म लिखेंगे। मिडिल टर्म क्या है, 9a² प्लस 8b² इसका साइन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको बाकी किसी के साइन से मतलब नहीं है, साइन का सिर्फ एक ही जगह आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो यहां पे आएगा जब कॉन्स्टेंट का साइन आपको लिखना है। कॉन्स्टेंट के साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस लगाना है, बाकी कहीं साइन का कोई कॉन्सेप्ट ना लीजिएगा आप लोग। अब हमारे पास आ गया कि ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका एडिशन जो है वो ये हो जाए और प्रोडक्ट करें तो ये आ जाए। तो आप देखिए ध्यान से, 9a 72 हो रहा है, a² b² यानी हमारा 9a² प्लस 8b² यही रहेगा, 9a² इंटू 8b² ये 72a² b² हो गया। यानी आपने देखा कि मिडिल टर्म को सिर्फ डायरेक्ट खोलने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मिडिल टर्म चेंज नहीं हो रहा, तो मिडिल टर्म को ऐसे ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12ab x² माइनस 9a² और ये x आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 8b² x प्लस 6ab इक्वल जीरो। अब आप अच्छे से जानते हैं इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, कॉमन यानी जो HCF होगा वही कॉमन आएगा। अब 12 और 9 का HCF क्या होता है, 3 होता है, यहाँ पे a की कितनी पावर है, a, यहाँ पे a की पावर 2 है, यानी एक एक कॉमन आएगा, b यहाँ पे है यहाँ नहीं है यानी b कॉमन नहीं आ सकता, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है यानी एक एक्स कॉमन आएगा। इसको अगर हम लोग इधर देखें तो 12ab x² का अगर फैक्टर देखें, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू ए इंटू बी इंटू एक्स इंटू एक्स, ये इसका फैक्टर हो गया। और 9a² x² देखें तो 9a² x का होगा 3 3 जा 9 इंटू ए इंटू ए इंटू एक्स। अब HCF लेना है, आप अच्छे से जानते हैं HCF क्या होगा, जो कॉमन हो 3, फिर एक एक कॉमन आ रहा है, एक एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स 3ax कॉमन आ गया, यानी यही हमारा HCF है इन दोनों का। अब जब 3ax इसमें से निकाल लिए, 3ax कॉमन निकाल लिए तो बच क्या रहा है, 2 2 जा 4 bx, कितना बच रहा है 4bx, और जब इसमें से 3ax कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 3a, क्या बचेगा 3a।
माइनस। अब तीसरे टर्म के साइन निगेटिव है, निगेटिव ले लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो 8b² x को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो 2 × 4 × 2 = 8 इंटू बी इंटू डी इंटू एक्स, ये 8b² x हो गया। और 6ab को फैक्टराइज करिए, 2 × 3 इंटू ए इंटू बी। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, ध्यान से देखिए, तो 2 और इधर कुछ नहीं, बी आ रहा है कॉमन, 2b कॉमन आ गया, ये 2b कॉमन आ जाएगा। अब 2b इन दोनों में से कॉमन आ गया तो बच क्या रहा है, पहले वाले में देखें 2 × 4 bx 4bx। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि थर्ड टर्म का साइन निगेटिव था, उसे हमने कॉमन ले लिया, तो फोर्थ टर्म का साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। 6ab में से आपने 2b कॉमन निकाल लिया, बच क्या रहा है 3a इक्वल जी। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो फोर टर्म्स हुआ था, 3 टर्म्स से 4 टर्म्स, 4 टर्म्स से अब 2 टर्म्स में आ गया, और 2 टर्म्स में ये दोनों कॉमन हैं, दोनों एक जैसे हैं, यानी कॉमन निकाल ले हम लोग। तो 4bx - 3a को हमने कॉमन निकाला, बच क्या रहा है 3ax - 2b = 0। अब ये एक टर्म हो गया सिंगल टर्म, और इसका रिजल्ट 0 है, यानी दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड फैक्टर इज 0 और बोथ इज 0। आइदर 4bx - 3a इज 0 और 3ax - 2b = 0। अब ये -3a उधर जाएगा, +3a हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, 4b इसका प्रोडक्ट है, सेकेंड साइड डिवाइड में जाएगा 3a / 4b। अब इससे सॉल्व करिए, 3ax = 2b, x इक्वल आप देखिए 3a प्रोडक्ट है, सेकेंड साइड डिवाइड में जाएगा 2b / 3a। सो ये दो वैल्यूज आई x की, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स हमारे पास है, एक 3a / 4b और दूसरा 2b / 3a। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें, 2x + 3 / x - 3 -25 x - 3 / 2x + 3 = 5। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि x की ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती है, एक 3 और एक -3/2, क्योंकि इन दोनों पे ये फंक जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती। अब आप जो इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये 2x + 3 / x - 3 है और ये x - 3 / 2x + 3 है, यानी अगर एक p/q है तो दूसरा q/p दिख रहा है आपको, यानी रेसिप्रोकल एक दूसरे के, कैसे दिख रहे हैं रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2x + 3 / x - 3 इज y, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x - 3 / 2x + 3 ये 1/y हो जाएगा, दिस विल बी 1/y। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसको हमने y मान लिया तो ये 1/y हो गया। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2y - 25 × 1/y = 5। अब यहाँ पे हम एक काम करें, y से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एलसीएम y बन रहा है, डिनोमिनेटर में y आ जा रहा है, तो 1y1 का एलसीएम y होगा, y से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y × y² - 25 y × 1/y, y से y कैंसिल हो जाएगा और इधर 5 × y मल्टीप्लाई बाई y। अब इसको हम इधर ले आए लेफ्ट साइड में, 2y² - 5y
माइनस 25 इक्वल जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 25। हमने आपको बताया इन दोनों का साइन नहीं लेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, दो स्पेस बनाएंगे, इनटू का साइन लगाएंगे। फिर y का मल्टीपल मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट देखिए 5 है, दो स्पेस बनाएंगे और यहीं पर पहली बार हमको साइन लेना है, जो कांस्टेंट का साइन होगा वही साइन लगाएंगे। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस 5 हो और जिनका प्रोडक्ट 50 हो, तो आप जानते हैं 10 माइनस 5 5 और 10 इंटू 5। तो हम अब इस मिडिल टर्म पे 5 की जगह 10 माइनस 5 रखेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 y माइनस 25 इक्वल जीरो। ओपन करिए 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 5y माइनस 25 इक्वल जीरो। इन दोनों में आप देख रहे हैं 2 और 10 में 2 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या y माइनस 25 जट 10। अब ये प्लस है, प्लस कॉमन लीजिए, 5 और 25 में 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा y माइनस 5, क्योंकि जब थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव होता है तो फोर्थ टर्म का साइन ब्रैकेट में चेंज नहीं होगा। अब ये दो टर्म हो गए और इनमें y माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 2y प्लस 5 इक्वल जीरो। अब ये एक सिंगल टर्म हो गया और इसका रिजल्ट जीरो है, तो आइदर दिस फैक्टर इज जीरो और दिस इज जीरो और बोथ इज जीरो, तो आइदर y माइनस 5 इज जीरो और 2y प्लस 5 इज जीरो, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी और यहां से देखिए प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5 होगा, राइट साइड ले जाएंगे माइनस 5 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 5 बाई 2। तो y की हमारी दो वैल्यूज आई, एक 5 आई एक माइनस 5 बाई 2 आई। लेकिन ध्यान रखिएगा इक्वेशन हमारा y में नहीं है, इक्वेशन हमारा x में है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, When y is 5, y की वैल्यू जब 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, यानी इसको लीजिए, तो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 5। अब ये क्रॉस मल्टीपल होगा 2x प्लस 3 इक्वल, ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5x माइनस 5 3 जा 15। x को लेफ्ट साइड ले आइए, नंबर को राइट साइड ले जाइए, तो 2x माइनस 5x इक्वल माइनस 15 और ये प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, ये कितना हो गया माइनस 3x और ये हो गया माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल 18 बाई 3 यानी 6, x की एक वैल्यू आ गई 6। अब दूसरी y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू माइनस 5 बाई 2, तो when y इज माइनस 5 बाई 2 इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज माइनस 5 बाई 2 इज माइनस 5 बाई 2। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए 4x प्लस 6 इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 15, ये माइनस 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, 4x प्लस 5x और इधर हो गया 15 माइनस 6, ये हो गया 9x इक्वल 9, इससे हमारी x की वैल्यू क्या आई 9 बाई 9 यानी 1। सो आंसर हमारा क्या है, आंसर है x की वैल्यू एक आई है 6 और एक x की वैल्यू आई है 1, यही हमारा आंसर है। तो यहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर रेसिप्रोकल दिख रहा है
तो एक को अगर आप वाई कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे को वन बाई वाई जरूर दिखा दीजिएगा। हमारे ख्याल से आपको अब फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, अपने मित्रों को भी भेजें, ठीक है। होपफुली यू एंजॉय वेल। वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।